आज हमारे साथ हैं एसएससी सीजीएल 2018 के सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनका जेएसओ में सिलेक्शन हुआ है। हेलो, मेरा नाम भरत झा है। मैंने इसी बार सीजीएल 18 का जो अभी कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया है, मैंने उसे क्लियर किया है और मुझे जेएसओ का पोस्ट मिला है। अगर आप फ्री में ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बारे में बात करें तो ये जो है वो ग्रेजुएट लेवल पे जो है वो आप ऐसे एग्जाम दे सकते हैं। तो कैसे कुछ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं, तो जॉब करते हुए जो है वो तैयारी करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो अगर कोई जो है वो स्टूडेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं और अगर वे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए जो है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, मैं तो कहूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं पहले से, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो कैलिबर है कि आप कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कि कोई जॉब नहीं है क्योंकि वो उतना डिजर्विंग नहीं है। आप शायद डिजर्विंग हो तभी आप वहाँ पर जॉब करने के लिए गए हैं, तो आपके पास पहले से वो कैलिबर तो है ही। आप थोड़ा सा अपने पे कॉन्फिडेंस खुद में रखते हुए अगर आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जॉब के अकॉर्डिंग सबके अपने अपने सिचुएशन होते हैं, किसको कितना टाइम मिलता है कितना नहीं। बस आपको ये सोचना है कि मुझे ये करना है तो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। एक बार अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन उसके बाद सामने नहीं आता है, कोई ऑब्स्टेकल सामने नहीं आता है। आपने अगर देख लिया कि हाँ ये चीज है जो मुझे करना है, तो अब आप टाइम उसके लिए खुद निकाल लोगे, आपको उसके लिए अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चाहे रात में होता है 2 घंटे ही सही, रोज आप 2 घंटे, एक कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करता है। एक ही दिन 10 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद फिर 4 दिन तक नहीं पढ़ा, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप अगर रोज 2 घंटे ही पढ़ रहे हो लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी आपने बरकरार रखी है, तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपको जितना ही टाइम मिलता है, एक डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ आप आइए, सोचिए कि हाँ मुझे करना है। जॉब के बाद जितना ही टाइम मिलता है 2 घंटे ही से, दिन के 2 घंटे आप निकाल लिए आप सीजिए के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया, और अगर आप सभी व्यूअर्स को कोई भी अगर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डाउट आती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं सर से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो है वो कमेंट्स का जो है वो कोई भी अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है और जिस कमेंट पे जो है वो ज़्यादा जो है वो लाइक्स आएंगे तो उस पर जो है वो मैं स्पेसिफिकली सर से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ वीडियोज़ भी जो है उस पर बताएँ। और अगर आपको और भी कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए होगी तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट